Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut के मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं। एक बार फिर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं का अंबार देखा गया है, जहां डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने का असल कारण सामने आया है। बता दें, डेंगू बुखार के मरीजों को जमीन स्ट्रेचर पर लिटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इन सर्द रातों में मरीजों को जमीन पर लिटाकर दीवार पर ग्लूकोज की बोतलें टांगकर इलाज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, मरीजों का काउंटर बेंचों पर लिटाकर भी इलाज किया जा रहा है, और साथ ही तीमारदार इन सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। अब सवाल ये उठता है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावे कहाँ गए? आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? कब तक मरीजों का इलाज इन अव्यवस्थाओं के अंबार में होता रहेगा? क्या दिसंबर और जनवरी की सर्द रातों में भी तीमारदार ऐसे ही खुले आसमान के नीचे रात बिताएंगे? देखिए मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं की कुछ तस्वीरें। मैं आपका आप यहाँ कब से पड़े हुए हैं? बेड की व्यवस्था अभी यहाँ बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पेशेंट कितना सीरियस है आपका? सीरियस। कितनी देर से बैठे हैं यहाँ? 10-15 मिनट। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।